कि अगला जो क्राइसिस आने वाला है वो पावर कॉम च आने वाला है, बिजली महकमे च आने वाला है। कई जगह तो मैं देखा कट लगन लग गए, क्यों लग रहे है? बहुत जगह से कट लग रहे, क्यों लग रहे है? क्योंकि बिजली बोर्ड को ट्रांसफॉर्मर खरीदने वास्ते पैसा है नहीं। कि जो शुरू हुई कि है आ जी सरकार है इनू कोई एक्सपीरियंस नहीं, इन्हों के एम एल ए क्रिमिनल बैकग्राउंड के एम एल ए है, जे चोर नू तुसी राखी रखने वास्ते ड्यूटी ला दो उन्होंने तो लुट लेना है। इन्हों की पार्टी के तू लिस्ट देख लो कै जे लोग है, कै जी उन्हों का बैकग्राउंड है। सो पंजाब सूबे का हुण हालात की है कि अगला जिहड़ा क्राइसिस आने वाला है वो पावर कॉम च आने वाला है, बिजली महकमे च आने वाला है। अज भी देखो हुण थोड़े थोड़े कई जगह तो मैं देखा कट लगन लग गए, क्यों लग रहे है? बहुत जगह से कट लग रहे, क्यों लग रहे है? क्योंकि बिजली बोर्ड को ट्रांसफॉर्मर खरीदने वास्ते पैसा है नहीं, तारा नवी पाने वास्ते पैसा है नहीं, ग्रिड लाने वास्ते है नहीं पैसा, कोला खरीदने वास्ते है नहीं। 22,000 करोड़ रुपया सबसिडी पंजाब सरकार ने देनी है इस साल, बिजली महकमे हले दिती नहीं। तो बिजली महकमे कहता तुसी अपने आप ही कर्जा लो, जो साड़ी सरकार सी असी बिजली बोर्ड नू डेट फ्री करता सी, मीनस 1 रुपये का डेट नहीं सी बिजली बोर्ड से। अज जाके देखो किन्ना कर्जा चढ़ाता, 2300 करोड़ तो इसी 8 महीने 30,000 करोड़ तो अलग 2300 करोड़ रुपया उन्होंने बिजली बोर्ड से चढ़ाता। 3,800 करोड़ का घाटा बिजली बोर्ड पै गया। जिस तरीके हुण काम चल रहा है मैं लगता अगे तो बिजली मिलनी भी थोड़ी बंद हो जूगी। जे बिजली मिलनी बंद होगी तो फिर तो इतने किसने रहना भी नहीं।